अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप तहज्जुद के बारे में खूबसूरत कॉल सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो सात आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते और ना आसमान वालों ने। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। तहज्जुद से तुम्हारा तारफ अल्लाह यूं ही तो नहीं करवा रहा, यकीनन तुम्हारे नसीब में हजारों मौजज़े डाल दिए गए होंगे। वक्ते तहज्जुद आसमान की जानिब देखो तो महसूस होता है जैसे सारी कायनात सबर के रंगों से सजाई गई है। रात के तारीख तरीन पहर में जब कोई शख्स अपने रब के हुजूर हाजिर होता है तो वो रब उस बंदे के दिल में आने वाली हर दुआ को कबूल करता है। तुम्हारी हर नामुमकिन ख्वाहिश तहज्जुद मुमकिन बजा सकती है, हर तकलीफ से तहज्जुद तुम्हें शिफा दिला सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक तहज्जुद तुम्हें क्या क्या दिलवा सकती है। तहज्जुद मौजज़ात का दूसरा नाम है। तहज्जुद की दुआएं तो मौजज़ों का एक्स होती हैं। फर्श पर हाथ उठाओगे अर्श पे अल्लाह को पाओगे। तहज्जुद तो मोहब्बत का खास तोहफा होती है, इतना खास कि अल्लाह अपने बंदे से उस पर्दे में मुलाकात करता है जहाँ कोई तीसरी ज़ात मौजूद नहीं होती। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो तो वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पे मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतज़ाम करो शुगर के सिले का, तैयार रखो कौन फायकून का तोहफा। फिर फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। अगर आपको ये कॉल पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।